से एयरपोर्ट के रनवे पर दो प्लेन्स आपस में टकरा गई और सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कैसे एक बम धमाके से बचने की कोशिश में दो एयरप्लेन्स को एक ऐसे एयरपोर्ट पर ले जाया गया जहां यह दर्दनाक हादसा हुआ। इतने बड़े हादसे का क्या कारण था और किसकी गलती थी, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब को। 27 मार्च 1977 को एक आम दिन की तरह पैन एम फ्लाइट 336 लॉस एंजलिस से उड़ान भरकर कैनरी आइलैंड जा रही थी। बोइंग 747-121 सीरीज का ये एक लेटेस्ट एयरप्लेन था जिसे क्लिपर विक्टर के नाम से भी जाना जाता था। किसी भी एयरलाइन को दिया जाने वाला 747 सीरीज का ये पहला एयरप्लेन था और उस दिन 380 पैसेंजर्स के साथ 16 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। उसी वक्त इस फ्लाइट से कुछ ही दूरी पर एक KLM फ्लाइट 4805 भी एम्स्टर्डम से उड़ान भरकर कैनेडी आइलैंड जा रही थी। राइन नाम से रजिस्टर्ड ये भी बोइंग 747 सीरीज का एक लेटेस्ट एयरप्लेन था जिसमें 235 पैसेंजर के साथ 14 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। यह दोनों फ्लाइट अभी कैनरी आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी कि 1:15 करीब कैनरी आइलैंड के एयरपोर्ट टर्मिनल पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक आदमी घायल हो गया और पूरे एयरपोर्ट पर हड़बड़ी मच गई। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उन्हें चेतावनी मिली कि एयरपोर्ट पर कहीं एक और बम लगा है जो कभी भी फट सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी भी हालत में पैसेंजर्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे और इस चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट को तुरंत बंद कर दिया गया और ग्रैंड कैनेडिया आने वाली सभी 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करके लॉस रोडियोस एयरपोर्ट जाने को कहा गया। अभी वो इस बात से अनजान थे सबकी जान बचाने के लिए किया गया यह फैसला कितना खतरनाक साबित होने वाला है। लॉस रोडियोज एयरपोर्ट जहां KLM फ्लाइट और पैन एम फ्लाइट को भेजा गया था, वहां एक छोटा सा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक रनवे है और एक बड़ा सा टैक्सीवे है जिसके जुड़े हुए कई छोटे छोटे टैक्सीवे हैं। इतने छोटे एयरपोर्ट पर 5 बड़ी फ्लाइट्स को लैंड तो करवा दिया गया लेकिन एयरपोर्ट पर इतने प्लेन एक साथ रुकने की जगह नहीं थी जिसकी वजह से इन सभी फ्लाइट्स को टैक्सीवे पर ही खड़ा किया गया था। टैक्सीवे पर इंतजार करते हुए KLM फ्लाइट के कप्तान ने लॉस रोडियोज एयरपोर्ट की सर्विस टीम से पूछा कि प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स काफ़ी बोर हो रहे हैं, इसलिए क्या वे अपने पैसेंजर्स को आराम करने के लिए प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट के अंदर भेज सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद एयरपोर्ट सर्विस टीम ने KLM फ्लाइट के पैसेंजर्स को एयरपोर्ट लॉन्च में आने की अनुमति दे दी। ये देखने के बाद पैन एम फ्लाइट ने भी अपने पैसेंजर्स को प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति मांगी लेकिन क्योंकि रोडियोज एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट था जहां पर इतने सारे पैसेंजर्स को एक साथ रोकने की सुविधा नहीं थी, इसलिए सर्विस टीम ने पैन एम फ्लाइट्स को ये इजाज़त नहीं दी। अभी KLM फ्लाइट्स के पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी सभी फ्लाइट को सूचित किया गया कि ग्रैंड कैनेडिया एयरपोर्ट खुल चुका है, जिसे सुनकर सभी खुश हो गए और फ्लाइट कैप्टन्स लॉस रोडियोज एयरपोर्ट से उड़ने की तैयारी करने लगे। तभी KLM फ्लाइट के कप्तान ने लॉस रोडियोज एयरपोर्ट पर ही प्लेन में फ्यूल भरवाने के बारे में सोचा और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को प्लेन में फ्यूल भरने का ऑर्डर दे दिया। यह देखकर पैन एम फ्लाइट जो KLM फ्लाइट के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उन्होंने KLM के कप्तान से पूछा कि उन्हें प्लेन में फ्यूल भरने में कितना समय लगेगा। तो जब KLM फ्लाइट के कप्तान ने उन्हें बताया कि लगभग आधा घंटा, तो पैन एम के कप्तान थोड़े निराश हो गए क्योंकि जब तक KLM फ्लाइट फ्यूल भरवा कर आगे नहीं जाती तब तक पैन एम फ्लाइट भी उड़ान नहीं भर सकती। फ्यूल भरने में लगने वाले टाइम के कारण इतनी सारी फ्लाइट्स के टेक ऑफ को मैनेज करना रोडियोज एयरपोर्ट टीम के लिए भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो रहा था। रोडियोज एयरपोर्ट पर अब तेज़ बारिश होने लगी थी जिसके कारण कोहरा भी काफ़ी बड़ा हो गया था। जैसे ही KLM फ्लाइट फ्यूल भरकर उड़ान भरने को तैयार हुआ, कंट्रोल टावर से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करने को कहा गया और साथ ही साथ कंट्रोल टावर ने पैन एम फ्लाइट को भी KLM फ्लाइट को फॉलो करने के लिए कहा। कंट्रोल टावर ने पैन एम फ्लाइट को हिदायत दी कि वे डायरेक्ट रनवे पर न जाएं और एग्जिट पर ही वेट करें। पैन एम टावर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पर चल रहा था लेकिन टावर में बहुत लोग कन्फ्यूज थे क्योंकि बारिश के बाद एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा धुंध हो गई थी और टावर से एयरपोर्ट के कुछ जगह साफ दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त एयरपोर्ट पर घना कोहरा था कि पैन एम को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वे जा कहाँ रहे। जहाँ पैन एम फ्लाइट रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी, वही KLM फ्लाइट अपनी बैक ट्रैकिंग पूरी करके रनवे पर पहुँच चुकी थी और टेक ऑफ के लिए पूरी तैयार थी। KLM फ्लाइट के कप्तान ने कंट्रोल टावर से क्लियरेंस लिए बिना ही टेक ऑफ शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, कंट्रोल टावर ने उन्हें अभी टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी है इसलिए उन्हें वेट करना चाहिए, लेकिन कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को टेक ऑफ जारी रखने के लिए कहा। अब KLM फ्लाइट अपनी पूरी रफ्तार से रनवे पर आगे बढ़ने लगी। तभी KLM फ्लाइट कप्तान को कंट्रोल टावर से पता चला पैन एम की फ्लाइट भी रनवे पर ही है, जिसे सुनकर वे थोड़े परेशान हो गए क्योंकि बारिश और धुंध के कारण उन्हें रनवे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जहां पैन एम को लग रहा था कि वे सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसी गलतफहमी में न जाने कब C4 रनवे पर पहुंच गए। धुंध के कारण जहां दोनों ही फ्लाइट्स को रनवे पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था,
वहीं कंट्रोल टावर भी रनवे पर कुछ नहीं देख पा रहे थे। ये सब इतनी जल्दी में हो रहा था कि किसी को भी सिचुएशन को समझने और खतरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। रनवे पर पूरी स्पीड से दौड़ते हुए KLM फ्लाइट को अभी भी पैन एम की फ्लाइट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी पैन एम कैप्टन को KLM फ्लाइट की लाइट नजर आई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि हे भगवान, ये हरामखोर कहाँ आ रहा है। तब तक पैन एम के फर्स्ट ऑफिसर को भी KLM फ्लाइट नजर आ चुकी थी। उसने चिल्लाकर कप्तान से कहा कि जल्दी हटो यहाँ से। KLM फ्लाइट 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनवे पर उनकी तरफ दौड़ रही थी। इससे पहले कि KLM फ्लाइट टेक ऑफ पूरा कर पाती, एक बड़े धमाके के साथ दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि KLM फ्लाइट पैन एम फ्लाइट को बीचों बीच से फाड़ती हुई निकल गई। टक्कर के तुरंत बाद ही दोनों प्लेन में आग लग गई। KLM फ्लाइट में क्रू और पैसेंजर्स में से कोई भी नहीं बच सका। पैन एम फ्लाइट में भी सिर्फ 61 लोग इस भयानक एक्सीडेंट में बच पाए। मानव इतिहास के सबसे बड़े एयर एक्सीडेंट में उस दिन कुल मिलाकर 583 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद टेनेरिफ रोडियोस एयरपोर्ट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। स्पेन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस दुखद हादसे की जांच की और कहा दोनों प्लेन्स और कंट्रोल टावर के बीच में सही तालमेल न हो इस दुर्घटना का कारण था। हर बड़ी एयर ट्रेवल दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में उसे सबक लिया जाता है। ऐसे एक नए नियम बनाए जाते हैं कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जिस भी टॉपिक वीडियो चाहिए आप वो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।